हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम हेकार सिंह, योर इंग्लिश टीचर, क्लास 8, सब्जेक्ट इंग्लिश, सेकंड चैप्टर नंबर 12, एडवर्ब्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी रीडिंग चल रही है, जो लास्ट वीडियो में कुछ करा दी थी, और आज देखिए इसकी रीडिंग यहाँ से होगी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन How often some adverbs of frequency are never, sometimes, always, hardly, rarely, daily, usually, normally, etc. तो ये वर्ड सब क्या हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे। He never comes to stay for a few days. सेकेंड है, आई ऑलवेज वेक अप ईयरली। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हैं ये नेवर और ऑलवेज जो कलरफुल वर्ड हैं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर आल्सो कॉल्ड इंटेंसिफायर्स। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच सम ए सम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर। देखिए कुछ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं, इनफ, एंटायरली, एक्सट्रीमली, हार्डली, रेयरली, वेरी, टू, ऑलमोस्ट, ओनली, क्विट, शो, ईटीसी। तो ये डियर क्या है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री के। अजीत प्ले द पियानो क्विट वेल। अजीत पियानो को कैसे बजाता? क्विट वेल, बहुत अच्छी तरीके से। आई रेयरली डोंट वॉन्ट टू ईट एनी मोर। डियर शब्द, डियर स्टूडेंट्स, ये जो कलरफुल वर्ड हैं क्विट और रेयरली, दोनों एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं। लेकिन नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट टाइम, मैनर्स एंड प्लेस। सम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर व्हाई, हाउ, हाउ मैनी, व्हेन, वेयर, सिंस, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू गो टू स्कूल, हाउ डिड यू फाइंड हिज शॉप। देखिए व्हेन और हाउ, ये दोनों शब्द क्या हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स लाइक रिलेटिव प्रोनाउंस रिफर बैक टू देयर एंटेसिडेंट। सम रिलेटिव एडवर्ब्स आर वेयर, व्हाई, व्हेन, ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द रूम वेयर आई स्टडीड, यह वही कमरा जहाँ मैं पढ़ता था। ही वेंट बैक टू द सिटी वेयर ही बिलोंग, वह उस सिटी को, उस शहर को वापस हो गया जहाँ वह रहता था। तो डियर स्टूडेंट्स, वेयर, ये कलरफुल जो वर्ड हैं दोनों एग्जाम्पल में, ये एडवर्ब ऑफ यानी कि रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज एडवर्ब्स चैप्टर नंबर 12 एडवर्ब्स की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इसे आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें, और इन तीनों दोनों वीडियो को आप एक से दो बार देखेंगे तो एडवर्ब्स को आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। एडवर्ब्स मीन्स क्रिया विशेषण, जो शब्द कार्य करने की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि एडवर्ब्स कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, गुड बाय, टेक केयर, डू देयर बेस्ट इन योर स्टडी। ओके, गुड बाय।